चीन ने तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान में अपने राजदूत की नियुक्ति कर दी है। इसको लेकर दुनिया बहुत शंकित तरीके से चीन की तरफ देख रही है। अफगानिस्तान से 2021 में जब अमेरिका निकला और तालिबान ने वहां कब्जा कर लिया, तब से ही दुनिया के किसी देश ने उस सरकार को मान्यता नहीं दी है। हालांकि कुछ देशों के दूतावास और राजदूत अब भी वही है, लेकिन वे तालिबान के कब्जे से पहले के हैं। जाहिर तौर पर चीन का लक्ष्य कोई मानवतावादी नहीं है। वो अफगानिस्तान के संसाधनों पर अपनी नजर गड़ाए है और इसीलिए वहाँ निवेश के बहाने अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है। भारत को रोकना तो खैर उसके एजेंडे में है ही। अमेरिका ने जब 2021 में अफगानिस्तान से अपनी सेना वापस बुलाई, तो चीन ही एकमात्र ऐसी बड़ी ताकत दिख रहा था जो अमेरिका के निकलने से पैदा हुए शून्य को भर सके। चीन ने हाल फिलहाल बहुत सारा निवेश भी अफगानिस्तान में किया है। दोनों देशों के बीच अभी हाल ही में $450 मिलियन का समझौता भी हुआ है। ये समझौता गैस और तेल की खोज, तांबे की खदानों, लोहा और सोने की खोज के साथ लिथियम के लिए भी हुआ है। चीन की मुख्य नजर लिथियम पर भी है, क्योंकि वह आज की दुनिया में बहुत महत्वपूर्ण पदार्थ हो गया है। बैटरी से लेकर कंप्यूटर चिप तक में उसकी जरूरत पड़ती है। चीन की रणनीतिक मजबूरी भी अफगानिस्तान की स्थिरता में है। चीन VRI के विस्तार के लिए भी अफगानिस्तान पर निर्भर है और उसके शिनकियांग क्षेत्र से यूरोप तक जोड़ने की उसकी योजना के लिए भी यह जरूरी है। साथ ही अफगानिस्तान में वह अतिवादी तत्वों पर नकेल इसलिए भी चाहेगा कि उसके शिनकियांग प्रांत में भी शांति बनी रहे। भारत का हित मजबूत अफगानिस्तान में ही है और इसीलिए भारत ने भी अपना दूतावास और तकनीकी दल वहां बनाए रखा है। तालिबान के कई सारे नेता भारत अपना इलाज करवाने भी आते हैं। भारत लगातार खाद्यान्न और मानवीय सहायता वहां भेजता रहता है। पिछले साल दिसंबर तालिबान ने भारत के इस जज्बे का वैसा ही जवाब दिया था और भारत के जो 20 से भी अधिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट वहां रुके हुए थे, उनको पूरा करने के लिए कहा था। इससे भारत जरूर ही चीन के BRI प्रोजेक्ट को टक्कर दे सकता है। भारत ने भी कई सारे कार्यक्रमों के लिए फंड दिया है ताकि अफगानिस्तान का पुनर्निर्माण किया जा सके। भारत चीनी प्रभाव को हालांकि कम करने में पूरी तरह तो सफल नहीं रहा है, लेकिन हमें ये देखना है कि दीर्घकालीन तौर पर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के और पाकिस्तान और चीन के जो रिश्ते हैं, उसके आधार पर उनके रिश्ते कैसे रहते हैं। भारत अब तक चीन के प्रभाव को दक्षिण एशिया में संतुलित या कम नहीं कर पाया था। उसके पीछे पहले की हमारी विदेश नीति की कुछ ऐतिहासिक गलतियां रही हैं। लंबे समय तक हमने अपने पड़ोसियों की अनदेखी की। चीन नेपाल, चीन श्रीलंका, चीन बांग्लादेश हो या चीन पाकिस्तान को देखें, हम पाएंगे कि हरमनटोटा बंदरगाह श्रीलंका से लेकर ग्वादर बंदरगाह हो या चटगांव में अरबों का निवेश हो, चीन भारत को घेर रहा है। पिछले कुछ वर्षों में भारत अपने पड़ोसियों के साथ संबंध सुधार रहा है, वहां निवेश कर रहा है। अभी बांग्लादेश को भारत ने G20 में आमंत्रित किया था। प्रधानमंत्री मोदी बांग्लादेश को पूरी तवज्जो दे रहे हैं। श्रीलंका से हमारे संबंध